तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि माइनक्राफ्ट में दो तरीके के वर्जन्स काम करते हैं, एक है बेडरॉक और एक है जावा। और हाँ, इन दोनों वर्जन्स की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, बट आज मैं इन दोनों वर्जन्स को एक कर देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। तो गाइस, अगर आपको अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जावा की तरह खेलना है, तो ऐसा करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपनी मम्मी के पास जाना है और उनसे कहना है कि मम्मी हमको एक पीसी दिलवा दो। ये क्या बात करता है यार। अरे नहीं, वीडियो छोड़ के मत जाओ यार, ये तो सिर्फ एक मजाक था। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पिन कमेंट में जाना है और वहाँ पे दिए एक लिंक पे क्लिक करके आपको एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ही खेल पाओगे जावा एडिशन को। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। ओके गाइस, तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है बकवास करते हुए, आप बिना देरी करे वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है एक पूरी लॉबी जावा वाली, बिल्कुल सेम टू सेम जावा लॉबी मिल जाती है गाइस। और इतना ही नहीं, आप गाइस जब ऐसे वर्ल्ड बनाओगे तो वर्ल्ड बनाने का तरीका भी बिल्कुल जावा वाला आपको देखने को मिल जाता है, और इससे अच्छा गाइस हो ही क्या सकता है आप सभी के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जिसमें आगे देखते हैं एक एक करके। तो गाइस, अगली चीज़ जो देखने को मिल जाती है वो है आपको स्वीप एज वाली एन्चेंटमेंट। यस गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मार रहा हूँ तो इनमें से हर्ट्स आ रहे हैं और साथ साथ स्वीप एज मतलब एक के साथ साथ गाइस जो भी इसमें ज़्यादा मेरा अटैक जा रहा है उन सबको डैमेज पहुँच रहा है। ये वाली चीज़ गाइस आपको खाली जावा में देखने को मिलती है, बट अब मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ पॉकेट एडिशन में भी। और देखो गाइस, मैंने कितनी जल्दी सारे ज़ॉम्बीज को ख़त्म कर दिया आसानी से। इतना ही नहीं गाइस, ये ज़ॉम्बीज पे ही नहीं, साथ साथ अलग तरीके के मॉब्स पे भी काम करता है। जैसे कि पिक को मार कर दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, इस पे भी ये चीज़ वर्क कर रही है और आराम से मैं इसको मार पा रहा हूँ। तो गाइस, ऐसे ही आप किसी भी मॉब को मार सकते हैं। और देखते हैं गाइस अगले फीचर्स। तो गाइस, जो अगली चीज़ देखने को मिल जाती है वो है आपको इसकी इन्वेंट्री। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, पूरी की पूरी इन्वेंट्री जो है जावा वाली हो चुकी है और बिल्कुल सेम टू सेम जावा वाला फीचर्स लग रहे हैं गाइस। जैसे मैं सारे ब्लॉक्स, ये देखो मड ब्रेक्स, मड सब कुछ, मतलब एकदम जावा वाला लुक आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि गाइस जैसे कि मैं जावा एडिशन में ही खेल रहा हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप इस मोड को डाउनलोड कर लोगे तो आपकी भी इन्वेंट्री कुछ इस तरीके की हो जाने वाली है और आप भी कुछ इस तरीके का मज़ा उठा सकते हो। आपको मेरे पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद जाइए इसको डाउनलोड करो और खुद इसको इस्तेमाल करो। तो गाइस, इसका अगला फीचर दिखाने के लिए मेरे को नाइट मोड में आना पड़ा है और जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं टॉर्च को हाथ में लेता हूँ तो इसमें से एक लाइट निकल के आ रही है, इसको कहते हैं गाइस डायनेमिक लाइट। और यस गाइस, आपको डायनेमिक लाइट का फीचर इस मोड में आराम से देखने को मिल जाता है, जिससे गाइस ये थोड़ा सा और जावा जैसा दिखने का लगता है। और ये खाली गाइस टॉर्च में से नहीं, कैंप फायर, लैक्टन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं गाइस जिसमें से लाइट इमिट आराम से हो जाती है। तो गाइस, आप इस वाले मॉड को इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। और हाँ गाइस, बिल्कुल ग्लिच नहीं देखने को मिलेगा आपको जब आप इस लाइट को इस्तेमाल करोगे। तो गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की ओर। तो गाइस, जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है एडवांसमेंट पैक वाला। यस गाइस, आपको इसमें एडवांसमेंट पैक भी देखने को मिलता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इतने सारे फीचर्स हैं इस मॉड के अंदर जो कि आपको बिल्कुल जावा वाली फीलिंग देने वाले हैं। जैसा कि आपको देख सकते हो गाइस, मैंने पूरा नेदरराइट आर्मर ले लिया है और जैसे मैं इस नेदरराइट आर्मर को पहनूंगा तो मेरे को मिल जाती है एक एडवांसमेंट जो कि है कवर मी इन डेब्रिस, जो कि गाइस आपको जावा में ही देखने को मिलती है। और इतने ही नहीं गाइस, बहुत सारी एडवांसमेंट ऐसी मिलती है, जैसे कि मैं ड्रैगन एग को लेकर दिखाता हूँ अपने हाथ में, तो जैसे मैं ड्रैगन एग को हाथ में ले लूँगा तो मेरे को नई एडवांसमेंट मिल जाती है जो है द नेक्स्ट जनरेशन। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी एडवांसमेंट है जो कि आपको मिल सकती है बस इस मॉड को डाउनलोड करने के बाद। तो गाइस, मैंने इस मॉड के बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको बता दिए हैं। चलो गाइस, अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी डाउनलोड प्रोसेस की तरफ। तो गाइस, पिन कमेंट में आपको कुछ इस तरीके का लिंक दिखाई दे जाएगा, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप गाइस कुछ इस तरीके के पेज पर पहुंच जाओगे और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गाइस आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है फाइल, आपको जाना है जेड अचीवर ऐप में डाउनलोड सेक्शन में, नीचे जाके गाइस आपको वो वाली फाइल ढूंढनी है जो आपने अभी डाउनलोड करी है, जो कि आएगी जावा एडवांस वर्जन 8 के नाम से। तो गाइस, जैसे कि मैं अभी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वाली गाइस, ये देखो ये वाली फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको ये फाइल मिल जाती है आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको इसको रीनेम कर देना है गाइस। रीनेम करने के बाद गाइस आपको इसमें से डॉट जिप हटा देना है। हटाने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके की फाइल देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है। फिर आपके पास गाइस आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा और फिर आप आपकी बार इस एरो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सीधा माइनक्राफ्ट खुल के आ जाएगा। तो जो गाइस, जैसे ही आपका माइनक्राफ्ट ओपन होने वाला होगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आप माइनक्राफ्ट ओपन होगा आपके सामने ऊपर इंपोर्ट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। इंपोर्ट स्टार्टेड होने के बाद गाइस ये सक्सेसफुली भी इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही गाइस ये आपके फोन में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाए तो समझ लेना आपका सारा काम हो चुका है। अब गाइस आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा गाइस ग्लोबल रिसोर्सेज के पास। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल रिसोर्सेज में जाके आपको माई पैक्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाके ये जावा एडॉन वाले ऑप्शन को एक्टिवेट
कर देना है। उसके बाद गाइस आपको सिंपली से बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आओगे तो आप देखोगे कि आपकी पॉकेट एडिशन वाली लॉबी जो है वो पूरी जावा वाली लॉबी बन चुकी है। अब आपको गाइस मैं वर्ल्ड जो है क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो गाइस जैसे आप प्ले गेम पे क्लिक करोगे आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद गाइस आप पहुंच जाओगे कुछ इस तरीके के पेज पे। यहाँ पे आपको न्यू वर्ल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू कर देना है। क्रिएट न्यू करने के बाद गाइस आपको सिंपली से यहाँ पे अपने वर्ल्ड के बारे में जो भी आपको करना है कर लेना, क्रिएटिव सर्वाइवल। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे रिसोर्सेज और बिहेवियर पैक देखने को मिलेंगे। तो रिसोर्सेज पैक में जाके ये इस पर क्लिक करोगे तो पॉज वाला बटन जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही गाइस बिहेवियर पैक में भी जाके आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। ऐसे ही आप ये काम कर दोगे गाइस आपके सामने जावा एडिशन की तरह आपका वर्ल्ड लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ गाइस आपका काम हो चुका है। अब आपको गाइस सिंपली अपने वर्ल्ड में आके खूब आराम से खेलना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस यही थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको जावा एडिशन के बहुत सारे मॉड्स एक ही मॉड के अंदर दे दिए हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।